अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब देखने वाले ठीक होंगे, खैरवाफियत से होंगे। दिल से दुआ है जी आपके लिए, तमाम बीमारियों से, बुराइयों से अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखें, और तमाम आने वाली नागहानी आफतों से अल्लाह पाक हम सबको अपने ईमान में रखें, आमीन जी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो के अंदर वॉच कीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आपके साथ बात शेयर करूँगी कि कभी भी किसी की चीज़ पर कब्जा करना और अल्लाह पाक आपसे किस हद तक सख्ती से नाराज़ हो जाते हैं। आप देखें कि मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़मीन के बारे में क्या फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर इस दुनिया में कभी किसी ने भी किसी ज़मीन पर एक बालिश भी कब्जा किया नाजायज़, और से सुनिएगा, एक बालिश के बराबर भी कब्जा किया, तो अल्लाह पाक क़यामत के रोज सातों ज़मीनों का तौक बनाकर, तौबा नाउज़ बिल्ला, अल्लाह पाक सातों ज़मीनों का तौक बनाकर उसके गले में डाल देगा, उससे उठाया नहीं जाएगा, उसकी गर्दन टूट जाएगी, उसका सर झुकेगा, वो कहेगा या अल्लाह इतनी तकलीफ। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे, तुम्हें बहुत शौक था ना लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करने का, तो तौबा नाउज़ बिल्ला, ऐसे गुनाहों से अल्लाह पाक हमें बचा के रखें, जो हम ऐसे गुनाह करते हैं कि हमें इस कदर सख्ती से इन सज़ाओं से गुजरना पड़ेगा। लेकिन मेरे अल्लाह माफ़ करने वाले हैं, यार हम राहिमीन है, और वो तमाम रहम करने वालों से ज़्यादा रहमान है और रहीम है। हमें जल्द ही तौबा कर लेनी चाहिए, अगर हमसे ऐसे गुनाह सरजद हो चुके हैं तो बेहतर यही है कि उनको ठीक करें। अगर आप इस तरह किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर चुके हैं तो उसका अजाला इसी दुनिया में अदा कर दें, और अल्लाह पाक जी हम सबको नेक काम करने की तौफीक अदा फरमाएं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें, मेरी बात पसंद आ रही होगी, और अपने पॉजिटिव माइंड में ही ये बातें लाइएगा। नेगेटिविटी में तो बहुत चला जाता है जी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।